कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में जल्द ही मरीजों को बड़ी राहत मिलने वाली है। सरकार की ओर से 3 सुपर स्पेशलिटी सहित 18 रेगुलर डॉक्टरों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है। फिलहाल 3 डॉक्टरों ने कल्पना चावला राजकीय मेडिकल कॉलेज में ज्वाइन किया है। संभावना है कि जल्द ही और भी डॉक्टर ज्वाइन करेंगे। फिलहाल इस समय मेडिकल कॉलेज में कई विभागों में डॉक्टरों की कमी है। सबसे अहम विशेषज्ञों की कमी है, इस कारण मरीजों को यहां पर इलाज की बजाय उनको रेफर करना पड़ता है। डॉक्टरों की कमी को लेकर कई बार शहर के सदस्य CM मनोहर लाल से भी गुहार लगा चुके हैं। वहीं मेडिकल कॉलेज में 3 सुपर स्पेशलिटी नेफ्रोलॉजिस्ट, न्यूरो सर्जन व कार्डियोलॉजिस्ट के आने पर राहत की उम्मीद है। न्यूरोसर्जन ना होने के कारण अधिकतर मरीजों को रेफर किया जाता है। इतना ही नहीं, गंभीर मरीज रेफर होने के बाद PGI जाते समय कई बार रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। कोरोना के बाद एक जो स्वाइन फ्लू के लेकर आपकी क्या तैयारियां, और करनाल में एक मरीज भी आया हुआ है। देखो, इस स्वाइन फ्लू और कोरोना की तैयारियों में कोई बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। दोनों ही एक जो एक दूसरे से मरीजों से स्प्रेड कर सकते हैं उनको भी आइसोलेशन में रखना होता है। तो अगर कोई चाहे पेशेंट स्वाइन फ्लू का आता है या कोरोना का आता है, उसको आइसोलेशन पहली रिक्वायरमेंट होती है, जिसके लिए हम प्रिपेयर हैं, ठीक है। और एक मरीज जो कि बाहर से पॉजिटिव आया हुआ है वो हमारे पास एडमिटेड है और वो लगातार डॉक्टरों की देख रेख में है। कहाँ का है मरीज, वो कहाँ था वो? नहीं, ये हमारे पास तो ये करनाल का ही था, तो ये इसलिए हमारे पास उसने रिपोर्ट किया है और वो हमारे पास परसों से एडमिटेड है और वो ठीक है। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव आई है उसकी रिपोर्ट, जो उसकी बाहर से पॉजिटिव है, हमारे पास तो कुछ पॉजिटिव रिपोर्ट आया था। पॉजिटिव रिपोर्ट स्वाइन फ्लू का जो मामला है, वो नोएडा में जॉब करता है और वहीं से आया था। इन्फेक्शन का खतरा यहाँ हो सकता है, इसके लिए क्या एहतियात बरतनी चाहिए? इसको तो इन्फेक्शन का खतरे की यही है ना कि उससे दूसरों को स्प्रेड ना हो। उसको कंटेन कर रखा है, उसको एक आइसोलेशन रूम में रख रखा है, ठीक है। उसकी स्थिति पे लगातार नजर रखी जा रही है कि अगर उसको कोई डिटेरियोरेशन होती है या कुछ, उसके हिसाब से उसका इलाज किया जाएगा, लेकिन अभी उसकी स्थिति स्टेबल है। कोरोना वायरस को लेकर जो संदिग्ध हैं, जहाँ अभी तक हमारे पास जो कोरोना वायरस के संदिग्ध आए हैं उनका नंबर 3 है जी। एक तो हमारा जो आया था जो कि 13 तारीख को चाइना से वापस आया था, ठीक है, उसको हमने 4 दिन ऑब्जर्वेशन में रखा, उसका सैंपल पुणे में भेजा, जब उसकी रिपोर्ट नेगेटिव आई और वो एसिम्प्टोमेटिक हो गया तो उसको डिस्चार्ज कर दिया गया। अभी एक फैमिली और आई हुई है जिनके 2 बच्चे, जिनको फीवर चल रहा है और राइनोरिया हो रहा है, उनको दाखिल किया हुआ है और उनकी रिपोर्ट के लिए सैंपल पुणे भेजा हुआ है, उनकी रिपोर्ट अवेटेड है, ठीक है। और लेकिन वो बच्चों के अब फीवर नहीं है और वो ग्रेजुअली इम्प्रूव हो रहे हैं। इसके लिए क्या तैयारियां की हुई हैं आपके कॉलेज में? इसके लिए जो एक तो हमने 2 आइसोलेशन वार्ड बनाए हुए हैं, ठीक है, और एक हमने 9 ऊपर आइसोलेशन रूम रेडी किए हुए हैं कि जो भी इस तरीके से जो संदिग्ध आएंगे उनको आइसोलेशन में रखने के प्रोविजन करते हैं। और जो भी सिम्टोमेटिक मेडिसिन की जरूरत पड़ती है वो सारी अवेलेबल है हमारे पास, वेंटिलेटरी सपोर्ट के लिए भी उनके लिए सिस्टम रेडी रख रखे हैं। लक्षण क्या है सर इसके? लक्षण जो कॉमन वायरल इन्फेक्शन के होते हैं, जैसे नाक का बहना, खांसी आना, बुखार होना, शरीर का टूटना, इस तरीके के लक्षण होते हैं।